like to call upon stage a student of standard first, Sarah Kamil, with the topic Jhoot. Sorry, with the topic Quran ki Ahmiyat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mera naam Sarah Kamil hai aur main Peace Islamic English School ki darja awwal ki taliba hoon. Aaj main aapke samne chand baatein pesh karungi jiska mauzu hai Quran ki ahmiyat. Quran ki hamari zindagi mein ahmiyat kya hai? Quran Allah Taala ka ek beshkimti tohfa hai jo Allah Taala ne apne bandon ki hidayat ke liye utara hai. Ye Quran hame zindagi jeene ka tareeqa sikhati hai aur hamari rehnumai karti hai. Lekin aaj ke daur ka hum jaiza le, ye jo hum aksar dekhte hain ki jis Quran ko Allah ne apne bandon ki hidayat ke liye utara tha uske fazl ko to hum padhte hi nahi, aur agar padhte bhi hain तो तब जब किसी घर में किसी की मौत हो गई हो. और कब पढ़ते हैं? जब मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया हो तो कुरान की कसम खाई जाती है. तो हम इन मामलों में कुरान को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं. जबकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि कुरान हिदायत और रहनुमाई है. आज हम लोगों का हाल क्या है कि दुनिया की तमाम किताबों को पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त होता है, क्योंकि उन किताबों को पढ़कर इंसान दुनिया की तरक्की हासिल करना चाहता है. लेकिन वो किताब जो बुक ऑफ गाइडेंस है, जो हमें ये सिखाती है कि दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को कैसे संवारे. लेकिन आज का इंसान आखिरत की तो फिक्र ही नहीं करता. उसकी ये मेंटालिटी है कि आखिरत तो अभी बहुत दूर है, इसलिए वो दुनिया को तरजीह देता है और अल्लाह के हुक्म को पीछे कर देता है. याद रखिए, कुरान के हम पर 5 हुकूक हैं. जिसने इन हुकूक में से एक भी अदा नहीं किया, उसने कुरान का हक अदा नहीं किया. ये 5 हुकूक कौन से हैं, आइए देखते हैं. नंबर 1, कुरान पर ईमान लाए. नंबर 2, कुरान को पढ़े. नंबर 3, कुरान को समझ कर पढ़े. नंबर 4, उस इल्म को दूसरों तक पहुँचाए. अगर हम और आप इन हुकूक को अदा नहीं करेंगे तो याद रखिए, हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर नहीं गुजार रहे हैं, और यकीनन हम खसारे में हैं. तो इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी कुरान के बताए हुए रास्ते पर गुजारेंगे, और कुरान को पढ़ेंगे ही नहीं, उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह. وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. May Allah give us hidayah to understand the Quran, to understand the words of Allah, and to follow the commandment of Allah.